वही पार्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो मे बी आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, एनर्जी हो, डेप्थ हो, हाइट हो, और इस्केप वेलोसिटी हो या ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह हो, इन कंसेप्ट्स के साथ रिलेटेड करेंगे बेटे। आइए बेटे करें स्टार्ट। आगे लिखिएगा न्यूमेरिकल, सुन लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आज 9th हो गई है बेटा। छोटा सा स्टेटमेंट है, हाउ मच बिलो द सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 70% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जितनी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जी के बराबर है, आप कितना डीप चले जाएंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट दैट डेप्थ, दैट इज 70% ऑफ जी रह जाए। मैं रिपीट करूंगा बेटा, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 70% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। रेडियस आपको पता है, उन्होंने वैसे दिया हुआ है 6.4 × 10⁶ मीटर्स के बराबर का। तो डियर चिल्ड्रन, बिकॉज उन्होंने डेप्थ वाली बात की है, तो वी विल हैव टू अडॉप्ट द रिलेशनशिप फॉर द डेप्थ। जी एट ए डेप्थ बी, इट इज जी ऑन द सरफेस 1 − d/r। आगे उन्होंने कहा है कि जी एट द डेप्थ बी इज 70% ऑफ जी। इट विल मीन दैट यहाँ पे 70% ऑफ जी लिख देंगे हम बेटा। सो इट विल बी 70/100 ऑफ जी, जी 1 − d/r बेटा। और ये देखिए, 0 1 निकल गया आपका, जी भी निकल गया, कट गया, और आपके पास बच्चों बचा 1 − d/r। इट इज इक्वल टू बेटे 7/10। आगे आप करोगे पुत्र, डी निकालना है, आर तो आपको पता ही है, आर की वैल्यू बेटे जो है 6.4 × 10⁶ मीटर्स के बराबर आपको गिवन भी है। अगर किसी स्टूडेंट को बाई चांस नहीं भी याद तो उन्होंने दी हुई है, तो लगा लीजिए 1 मिनट फटाफट करके देखिए। टाइप लगभग सेम ही है जैसे आप ऑलरेडी कर चुकी हो, जस्ट कैलकुलेशन ही डिफरेंट है। इट इज 1.6 मीटर्स, बिल्कुल ठीक बेटे, बहुत बढ़िया। डी इज 1.92 कह रहे हो कि 6.9 × 10⁶ मीटर्स। गुड, राइट बेटे, सारे स्टूडेंट्स का बेटे बन रहा है, जरा चेक कर लीजिएगा। इसको इधर ले आना, डी और आर को उधर ले जाना, 3/10.3, डी इज इक्वल टू 0.3 r, तो सीधा ही है, वैसे तो ऐसी बात है नहीं, है ना बेटे। सेकंड प्रॉब्लम बेटा, अगेन कुछ मिलती जुलती है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये खुद करो। ये हाउ फार अवे फ्रॉम द अर्थ डज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आप अर्थ की सर्फेस से कितना दूर चले जाएंगे, दूर का मतलब है हाइट, कितना दूर चले जाएंगे ताकि वहां पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये 1% ऑफ जी रह जाएगा। और आपको अगेन रेडियस की वैल्यू दी हुई है, वैसे आपको पता ही है, तो पहले तो ये बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। हाँ, r + h² बिल्कुल ठीक, वो छोटी हाइट वाला फॉर्मूला आपने नहीं यूज करना। क्यों बेटा? क्योंकि जी बहुत कम हो रहा है, नजदीक वाली हाइट पे इतना कम नहीं होगा, बहुत दूर डिस्टेंस पे कम होगा ये इतना। So, आपका जो रिलेशनशिप था, जी एट ए हाइट एच, इट इज जी ऑन द सर्फेस r² / h² तो मेक यूज ऑफ दिस रिलेशनशिप बेटे, बाकी काम करिए आप। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, जल्दी से करके देख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं बेटा।
all of you. कितना पुत्र? हाँ, नमन रमन करिए करिए, गुड। अर्शप्रीत, सहज, अदिति, जैकलिन, मंजोत आपका नाम है, नूर मंजोत कर, अच्छा उसने बताया था, और आपका नाम दिलजीत है ना आपका, कि आपका, अच्छा उसका, आपका और आपका बेटा हरमन, आपका नाम मैं भूल गया, प्रभ प्रभ सिमर है ना, प्रभदीप, आपका दोनों का बेटे नहीं याद मुझे, निधि और आपका दीक्षा एंड निधि, अब याद रह जाएगा, गुड। सो करिए बेटा ऑल ऑफ यू, नाइन इंटू आर, नहीं आर की वैल्यू भी पुट करो ना, हाँ जी हाँ जी, इट इज 5.76 इंटू 10 डेज पर 7 मीटर्स, हाइट 5.76, 10 डेज पर 7 मीटर्स, चेक कर लीजिएगा, नहीं आता तो बताइएगा, फिर हम कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं इसमें, सिंपल है, 1% ऑफ जी का मतलब तो समझ रहे हैं ना, मतलब कि जी एट ए हाइट एच जो है इट इज 100 ऑफ जी, ठीक है जी, तो बाकी तो फिर बेटे कैंसिल ही हो जाएगा, 1/100 ऑफ जी, इट इज जी आर, इसको बेटे ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखिएगा कंप्लीट स्क्वायर करके भी, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपका, आर अपॉन आर प्लस एच का सारे का स्क्वायर, और देखिए इसको थोड़ा डियर चिल्ड्रन ऐसे कर दें तो आपका और बेहतर हो जाएगा, है ना, अगर पावर्स बेटे सेम हो तो बेसिस भी सेम होते हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, तो यू विल गेट दैट आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/10 बेटे, और 10 आर इज आर प्लस एच, आपको तो एच चाहिए, 9 आर, आई थिंक रमन ने यही निकाला था ना, के नमन और रमन दोनों ने, गुड, तो आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा, नहीं भी करेंगे तो भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बट करना चाहिए, अगर आपका पेपर मल्टीपल चॉइस आएगा तो मे बी वो आर की वैल्यू डाल के आपको लिख के देंगे, तो वी विल हैव टू सॉल्व फॉर दैट एंड ओनली देन आवर आंसर विल बी मैचिंग, राइट। और इस टाइप के काफी हो गए हैं, एक बड़ी प्यारी प्रॉब्लम है और बेटे, नोट कर लीजिएगा इसको क्वेश्चन को, काफी बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है ये बेटा, सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस से ऊपर चले गए कहीं पे, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -5.12 × 10⁻⁷, -5.12 इंटू 10⁻⁷ यूनिट्स आपको दिए गए हैं, जूल पर केजी, जूल पर किलोग्राम, लेट मी रब दिस पार्ट अदरवाइज फिर नहीं पता चल पाएगा, आइए देखें, एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -5.12 × 10⁻⁷ जूल पर किलोग्राम, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी भी आपको दिया गया है, इट इज इक्वल टू 6.4
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस हाइट पे, उस पॉइंट पे। और आपको, आपसे डिमांड किया, क्या किया गया है बेटा, अज्यूमिंग द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ आर टू बी 6400 किलोमीटर। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि पोलर रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस के बराबर नहीं होता। कितना फर्क होता है बच्चों, 21 किलोमीटर। कौन सा 21 किलोमीटर ज्यादा है, इक्वेटोरियल रेडियस। गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट। कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको इस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे ये दो पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, इसकी हाइट निकालनी है। आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जरा समझिएगा मेरी बात ध्यान से। इमेजिन कर लीजिएगा, ये आपका अर्थ है बच्चों, और अर्थ की रेडियस की वैल्यू तो आपको पता है आर के बराबर रहती है। अर्थ की सरफेस से पोटेंशियल जीरो नहीं होता, नहीं होता ना, ये होता है। आप निधि, दीक्षा, दीक्षा ही है ना, होता है कि नहीं, भूल गए। अर्शप्रीत, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटे कितना होगा, भूल गए। प्रभ दीप, हरनूर, हरमन, सॉरी हरमन, हाँ जी पुत्र। बेटे माइनस जी एम एम बाई आर हमने कहा तो था ना, आर आप अपना रेडियस ऑफ अर्थ ले लीजिए, इट विल बी माइनस जी एम एम अपॉन आर, जीरो नहीं होगा। अब आपको उन्होंने कहा है कि आप यहां से कुछ हाइट ऊपर चले गए हैं, यहां चले गए हैं, और आपको ये हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट होगी, राइट। और आप कलेक्टिवली इसको स्मॉल आर बोला करते हो, पूरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जब भी आप हाइट निकालेंगे, आपको आर को एच माइनस आर, नहीं नहीं नहीं, एच को आर माइनस कैपिटल आर करके निकालना पड़ेगा, ठीक है जी, समझ आ गई बात बेटा। और सहज, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पे फार्मूला अभी बोला था मैंने, अभी माइनस जी एम एम अपॉन कौन सा, छोटे वाला, कैपिटल वाला नहीं, ठीक है। और जी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, नमन जी, फार्मूला छोटे जी के लिए, माइनस जी एम कौन से वाला, ना ना ना, छोटे वाला, ये छोटे वाला हो गया ना डिस्टेंस अब, ठीक है। तो बात सिंपल है, आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फार्मूला लिख लो, छोटी वाली ही स्मॉल जी का लिख लो, एक को दूसरे से डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा। बी क्विक नाउ ऑल ऑफ यू, आपको दो ही चीजें दी हुई है ना उन्होंने, एक तो देखो बच्चों ये पोटेंशियल दे रखा है, एक जी दे रखा है, दोनों का फार्मूला लेके एक को दूसरे से डिवाइड कर दो, अपने आप कुछ आएगा। बी क्विक नाउ ऑल ऑफ यू, और डर के मत किया करो कैलकुलेशन, बोल्डली किया करो, जरा ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा फिर क्या हुआ, गलतियां सबसे होती हैं, डरा मत करो कि हम मेडिकल वाले हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना बेटा। कर लीजिए फटाफट कर लीजिए, और बताइए कितना आ रहा है पोटेंशियल में, तो हमने यूनिट लिया हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, जब बात करते थे तब तो हम वहां पे एम को यूनिट अज्यूम करके चलते हैं ना बेटा। कल एक न्यूमेरिकल आपको दिया भी था, मुझे लग रहा है कि जाते टाइम हमारा बेल हो गया था और रह गया था कुछ ऐसा, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह था कुछ आपने कर लिया था, वो कर लेना बेटे, उसको छोड़ना मत। आई होप कि नहीं किया होगा आपने, कर लेना बाद में कर लेना।
नहीं तो एक वैसा करके देख लेते हैं, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। यस बेटा, इस तरफ ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अंजलि, ख्याति, मंजोत एंड राघव, वैभव, वंश, इश्नूर, मिताली, वंश एंड वैभव, आज दोनों इधर नहीं आए हैं, तो आपको याद कर रहे हैं आपके साथी की ये दोनों बच्चे जो हैं आज। हाँ जी सर, नींद पूरी कर ली। आपकी आवाज नहीं बेटे सुनाई दी। हाँ अच्छा, नींद नहीं पूरी हो रही है, ये तो बेटे फिर कॉमन प्रॉब्लम है, इसका तो कोई हल ही नहीं है ना। इनकी भी, किसी की भी नहीं पूरी हो रही है, ये भी ऐसे ही बैठे हैं। हाँ जी बेटे, डियर चिल्ड्रन, कर दीजिए फटाफट कैलकुलेशन, एक और दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट समथिंग, आर आ जाएगा आपके पास पहले, ये दोनों जीएम जीएम कट जाएंगे। वंस यू गेट दिस आर, इसमें से 6400 किलोमीटर के मीटर बना लीजिएगा पहले, फिर उसको निकाल दो। अगर किलोमीटर में रखना है तो किलोमीटर में रख लो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया है, कितना अच्छा कर रहे हैं। रमन, नमन, मंजोत, हरनूर, सॉरी हरनूर, हरमन, निधि, दीक्षा है ना, इसका नाम मैं फिर भूल गया, हो जाएंगे याद। अब देखिए बेटे जल्दी से देखिए जरा कितना आ रहा है। जी कितना, अच्छा 2 मिनट, स्मॉल आर निकल आया, ख्याति, मंजोत, राघव, वैभव, इश्नूर, मिताली एंड अंजलि, व्हाट अबाउट स्मॉल आर बेटे? 8 × 10⁶ मीटर्स में आ रहा है ना, 8 × 10⁶, ठीक है, गुड, वेरी गुड बेटा, गुड कैलकुलेशन वर्क। स्मॉल आर आ गया 8000 किलोमीटर भी कह सकते हो फिर आप, यही हो गया ना। तो बड़े वाला आर तो आपको पता ही है कितना होता है, 6400 किलोमीटर आपको बच्चों दिया हुआ है उन्होंने, तो हाइट इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना रह गया, कितना रह गया, 8000 में से 6400 माइनस किया और सीधा ही होता है 1600 किलोमीटर, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं, ठीक है। चलिए बेटे, चलिए आगे चलते हैं फिर बेटे, एक टाइम पीरियड के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ये कर लेते हैं एक। हाँ जी, हाँ किलोमीटर में यहां पे रह गया वो, 3 तो ये है, 3 इधर आ गया, 6 एडजस्ट हो गया ना आपका। अगर आपको मीटर में करना है नो प्रॉब्लम, आप वैसे कर लीजिए, थोड़ा फिगर बड़ा लगेगा देखने में, और कुछ नहीं है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, राइट। द पीरियड ऑफ मून, लेट मी बेटा रीड आउट द प्रॉब्लम फॉर यू, बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन करने वाला है। द पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज 27.3 days, आप ये पढ़ते भी हैं छोटी क्लासेस में, 27.3 days में मून अर्थ के राउंड अबाउट एक चक्कर काट देता है, ऐसा ही है ना, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज 3.9 × 10⁵ किलोमीटर। ये इस ऑर्बिट में आपका जो इस ऑर्बिट का रेडियस आर कह देते हैं, कैपिटल आर से अलग हो जाएगा, इसको टाइम पीरियड को टी कह देते हैं, ये भी आपको डिस्टिंक्शन हो जाएगा।
फाइंड द मास ऑफ द अर्थ. फाइंड द मास ऑफ द अर्थ. एम आपको निकालना है बच्चों. लेकिन पॉइंट यहां पे ये है कि आप इस डेटा को यूज करके निकालेंगे. अदरवाइज तो चलो आपको पता ही है, आप वो सिंपल फॉर्मूला करके कर लेते हो. टाइम पीरियड टी आपको याद होगा, हमने 2 पाई स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, जरा चेक करिएगा, ऐसा ही था. और यही था ना, चेक कर लेना एक बार बेटी, कहीं आपका कोई पॉइंट रह ना जाए इसमें. पहले चेक कर लीजिएगा, यही है. इसका स्केयर कर दें, आपको टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों चीजें हैं हमारे पास. तो टी का स्केयर बच्चों आ गया 4 पाई का स्केयर एंड आर का क्यूब डिवाइडेड बाय जी इनटू एम. और एम आपको चाहिए था, इट इज 4 पाई का स्केयर आर का क्यूब अपॉन टी का स्केयर. आंसर आपको पता ही है, वैल्यूज पुट करके वो सीधा ही लिख देना है, आंसर तो पता है ना हमें. ठीक है जी पुत्र. कैपिटल जी किधर गया भाई, वो तो रह गया कहीं. उसको कैपिटल जी को तो हम यहीं पे रखेंगे, वो थोड़ी कहीं जाएगा, वो नहीं मिस होना चाहिए ना. एक स्केल वेलोसिटी अलग करें आप बेटा, ठीक है जी, हैं? यही है, कहीं नहीं गया बेटा. चले आगे. अब आंसर आपको पता है, मैं नहीं कर रहा हूं इसको आगे. इट इज जस्ट ए वे टू हैव द प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द डिफरेंट वे बेटा. अगर आपको ये वाला डाटा दिया हुआ है तो वो आपने कैसे करना है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट. चलिए बेटे आगे चलें फिर. एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है बेटा. फाइंड द एस्केप स्पीड ऑफ द मून. आपको मून के लिए एस्केप वेलोसिटी जो है फाइंड आउट करनी है. आपको गिवन क्या है बेटा, रेडियस ऑफ मून 1.74 × 10⁶ मीटर. रेडियस ऑफ द मून 1.74 × 10⁶ मीटर्स. और मास ऑफ द मून 7.36 × 10⁻²² kg. इतना मास है मून का. कैपिटल जी तो आपको पता ही है ना बेटे. निधि फार्मूला बेटा एस्केप वेलोसिटी का, बी एस्केप. आप आर कौन सा, छोटे वाला बड़े वाला बताइए. अंडर रूट, हाँ जी, बड़े वाला क्या होता है, छोटे वाला क्या होता है, बड़े वाला आर कौन सा आर है. इसका अपना रेडियस ही है, इसको ही आप आर बोलते हो ना, इसको आप मास बोल देते हो. तो ये आ जाएगा 2gm/r, ऑल अंडर द रूट, राइट. तो बाकी तो चीजें आपके पास है ही है सारी. करोगे कैलकुलेशन, अब करिए जरा फिर एस्टिमेटेड वे से कैलकुलेशन करके देखिए कि कितना आ रहा है. सारा न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड डेटा आपके पास है बच्चों.
बेटे आपका ना एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में एडिशनल है या सिंपल ही है, इसमें एक प्रॉब्लम नंबर 12 है। चलिए कर ही लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, आपके लिए नहीं छोड़ते। इसको कर लोगे हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा बिकॉज रूट भी है और बाकी सारे पैरामीटर्स भी हैं। इसको देख लीजिएगा, इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए क्योंकि मून का जी कम होता है, राइट? हाँ फिर आपको ये डाटा नहीं यूज करना पड़ेगा, फिर आप 2 GR करोगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर सकते हैं बेटे, कर सकते हैं, आ जाएगा उससे भी। चलिए बेटे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। आपको आजकल सब्जेक्टिव पेपर हो तो ये जरूर आया करता था पेपर में। मैं रीड आउट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन। अर्थ से सन की तरफ आपने एक रॉकेट को भेज दिया, आगे क्या कहते हैं वो? एट व्हाट पॉइंट ऑन इट्स पाथ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो? ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ है और आपने अर्थ से कोई रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है जी? ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, यहाँ पे सन है, बहुत दूर है, इसलिए पॉइंट साइज बनाया है। जाते 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 कहीं पे बहुत दूर जाकर इसका ग्रेविटेशनल पुल और इसका ग्रेविटेशनल पुल अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ये इसको इधर खींचेगी, ये इसको इधर खींचेगा, ऐसा है ना पुत्र? और इसका मास आप स्मॉल एन कह दीजिए। आपको आगे क्या कहना चाहते हैं वो? ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन, एट व्हाट पॉइंट ऑन इट्स पाथ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो? मास ऑफ द सन 2 × 10⁻³० kg। मास ऑफ द सन 2 × 10⁻³० kg। बच्चों वैसे इसको थोड़ा याद रख लेना, जरूरत पड़ती रहती है हमें। अर्थ का मास आपको पता ही है 6 × 10⁻²⁴ kg। मून का भी अभी अभी आया था 1 point something × 10⁻²⁰ आया था ना, अभी किसी प्रॉब्लम में आया था। और आपको कहा गया है कि निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ द अदर प्लैनेट्स, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ इज 1.5 × 10⁻²। कितना होता है? और ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता है ना वैसे? हाँ जी बेटे, वन एस्ट्रोनॉमिकली उन्हें नहीं पढ़ा हुआ हमने? अर्थ और सन के सेंटर्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है ये वही होगा ना आपका 1.5। लिख लीजिए आप, अगर आपको इन्होंने दिया हुआ है वैसे आपको 1.5 × 10⁻¹⁰ m। ये टोटल डिस्टेंस जो रेडियस है 1.5 × 10⁻¹⁰ m का है बच्चों, दिया हुआ आपको। ये आप जनरली सेंटर से लिया करते हैं, ऐसा ही है, सेंटर टू सेंटर ही लेते हैं हम बेटा, यही हमने डिफाइन किया हुआ है ना, ठीक है जी? समझ आ गई प्रॉब्लम आप लोगों को? अब करें इसको सॉल्व जरा। बेटे देखो, रॉकेट जब यहां पे पहुंच गया, मान लो इसने एक्स के बराबर का डिस्टेंस जो है ये कवर किया है यहां से लेकर, रॉकेट को अर्थ कितना ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करेगा? जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर। और सन कितना अप्लाई करेगा? जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द रॉकेट डिवाइडेड बाई 1.5 × 10⁻¹⁰ माइनस एक्स का स्क्वायर बच्चों, है ना? अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये इधर है ये उधर है, तभी बैलेंस होगा।
समझ गए बात ना, इस पे ये फोर्स लग गया, इधर ये लग गया, इधर अगर ये और ये बैलेंस कर जाएंगे तभी इस पे जीरो होगा बेटा। और आप कह दीजिए जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर जी मास ऑफ द सन इनटू स्मॉल एम 1.5 इनटू 10 रेस पर 11 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया। और मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय 1.5 इनटू 10 रेस पर 11 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। आपको एक्स निकालना है, निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 की पावर्स काफी कट जाएंगी। मास ऑफ द अर्थ 1.5 इंटू 10 रेस पर 11 माइनस एक्स का बच्चों स्क्वायर मास ऑफ द सन इंटू एक्स का स्क्वायर, ये मासेस की वैल्यूज पुट करोगे तो ये पावर्स काफी एडजस्ट हो जाएंगी। ये कर ही लेते हैं आगे इसको बेटा, आपके पास आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 रेस पर 24 1.5 इंटू 10 रेस पर 11 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बच्चों 2 इंटू 10 रेस पर 30 इंटू एक्स का स्क्वायर। ये देखिए बेटे 30 और 24, मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। और इसको भी मैं अगर ऐसे कर दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, ठीक हो गई जी बात। और बच्चों इसको अगर मैं लिख दूं बेटे डियर चिल्ड्रन ऐसे करके तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और इसको मैं अगर ऐसे करके लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, स्क्वायर सब खत्म हो जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर्स हैं, तो रूट थ्री 1.5 इंटू 10 रेस पर 11 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने खत्म, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज 10 रेस पर 3 इंटू एक्स बेटा, इससे ज्यादा हम इसको नहीं कर सकते थे, कट शॉर्ट। अब आपको आगे करना ही पड़ेगा, कर लोगे आप। सो विद दिस बेटा हमारा ये चैप्टर बाई ऑल मीन्स कंप्लीट है। सो इसको है एडजस्ट कर दिया ना, इधर 30 था उसको 6 बना दिया हमने, माइनस कर दिया, पता चल गई बात। चलिए बेटे थैंक यू ऑल, बाकी फिर देखते हैं मंडे से नया चैप्टर।